हाय स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर फ्रॉम सीओम एजुकेशन। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं, राइट। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ क्वेरी या कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, ये वीडियो मैंने ट्राई किया है हर एक पॉइंट टेक्स्ट बुक का कवर हो, और इसका पीडीएफ भी बनाया हुआ है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, और आपका ईमेल आईडी भेजिए, आई विल सेंड इट आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ये कंट्रोल और ये कोऑर्डिनेशन, ये दोनों कैसे एक दूसरे के रिलेटेड हैं ये देखते हैं, राइट। आप जब कोई चाय का ग्लास, गर्म ग्लास टच करते तुरंत हाथ हटा लेते हैं, राइट। आपके सामने कोई गाड़ी आके आते हुए देखते हो तो तुरंत आपका पाँव हट जाता है वहाँ से, राइट। कोई आपकी आंखों में मारने आता है तो आपकी आंख अपने आप बंद हो जाती है, राइट। तो ये सब कहाँ होता है, डिसीशन कहाँ लिया जाता है, एक्शन कहाँ लिया जाता है। अगर डिसीशन कहीं और लिया जाता है दैट मीन्स कंट्रोल है, और उस कंट्रोल में अगर कहीं एक्शन दूर कहीं लिया जाता है मतलब वहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई कोऑर्डिनेट हो रहा है, राइट। संपर्क लिया जाता है, हेल्प लिया जाता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक एग्जांपल ले लीजिए, आपका स्कूल ही ले लीजिए। कंट्रोल प्रिंसिपल हो सकते हैं, लेकिन देखिए कोऑर्डिनेशन में टीचर सब आ जाते हैं, राइट। एक क्लासरूम कंट्रोल करने के लिए भले मेन डिसीजन प्रिंसिपल लेते हैं, लेकिन टीचर्स उनके थ्रू, राइट, उनके थ्रू वो उस कंट्रोलिंग को संभालते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट करते हैं, दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी यही होता है, जितने भी एनवायरमेंटल मूवमेंट हैं उस मूवमेंट को रिस्पॉन्स देता है, तो ये जो रिस्पॉन्स है इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो ये जो कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं इन ह्यूमन बींग और एनिमल्स ले लो एंड प्लांट्स ऑल्सो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ, इफ यू सी इन एनिमल्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन थ्रू नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यूज, राइट। एनिमल्स में ये दोनों प्रेजेंट हैं, लेकिन वही चीज प्लांट्स में दोनों एब्सेंट है, कंट्रोल भी, नर्वस सिस्टम भी नहीं है और मस्कुलर टिश्यूज भी नहीं है। तो फिर ये कंट्रोलिंग होता कैसे? यस, देर आर स्पेशलाइज काइंड्स ऑफ केमिकल्स कॉल्ड हार्मोन्स जिसके थ्रू प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं, राइट। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एनिमल्स। ओके, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर द टिप्स ऑफ द स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स का मतलब बताता हूँ, हमारे जो हाथ हैं, सपोज ये हाथ है, राइट। ये हाथ अगर ये बॉन्ड को टच करते हैं तो ये जो टिप्स जो है ये सेंस करता है और ये मैसेज भेजता है, राइट, ब्रेन को, और ये रियलाइज, रिकोगनाइज किया जाता है ब्रेन से कि दिस इज बॉन्ड। इफ आई एम टचिंग अ हॉट टी कप देन The tips will recognize the sense organs, बोलते हैं ना, ये recognize करेंगे और वो stimulus भेजेगा और वापस उसका action होगा कि it is hot, please remove your hand. This is the way. तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं receptors, जो sensor, बहुत sensitive होता है और वो उसको recognize करने में help करता है। तो tips are specialized types of, receptors are the specialized tips of the nerve fibers. They help in conducting the stimulus to the nerves. Okay? Receptors are in the sense organs of the animals. Ye yaad rakhna. Now, as I said, receptors are in the sense organs. They are found in the sense organ. To ye dekh lijiye. Types of receptors mein photoreceptors. They are found in the inner ear. Aur ear ki baat hai to kiske liye hoga? ऑडियो के लिए, राइट, साउंड के लिए। तो वो जो है साउंड सिस्टम, जो साउंड जो है उसे सेंस करता है और वो रिकॉग्नाइज करने का हेल्प करता है, इट सेंस टू द ब्रेन, राइट। तो देन इट इज, और आल्सो दिस फोनोरिसेप्टर इज आल्सो मेंट फॉर द बैलेंस ऑफ द बॉडी, बैलेंस ऑफ द बॉडी, राइट। फोटोरिसेप्टर्स, दे आर इन द आई फॉर द विजुअल, मतलब जो देखते हैं उस स्टिमुली को वो पास ऑन करता है ब्रेन को और हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये चेयर है, ये कैमरा है, ये ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है थर्मोरिसेप्टर्स। जब थर्मोरिसेप्टर्स बोल रहे हैं, स्किन की बात करते हैं तो टच है, हॉट है, कोल्ड है, ये सब को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो आता है दैट इज थर्मोरिसेप्टर्स। नेक्स्ट
olfactory receptors. Olfactory receptors, they are present in nose. और nose किसके लिए? Smell के लिए. तो आपको ये जो fragrance, ये सब जो पता चल जाता है, कोई गंदा smell आता है, तुरंत पता चल जाता है, that is because of olfactory receptors. And last one is gustatory receptors. They are present in the tongue. Right? ये जो yummy, tasty food, I like it, ये जो बोलते हैं ना, gustatory receptors are responsible. You know, ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये कुछ लोगों तो इतने प्रोफेशनल होते हैं, जैसे ये जो टी है, टी के जो मार्केट में, राइट, ये गस्टेटरी रिसेप्टर, स्पेशलाइज्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स वाले जो होते हैं, उनको पे किया जाता है. दे टेस्ट द टी एंड दे टेल दैट इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट ओके और नॉट फॉर द सेल, राइट, और दे आर पेड फॉर इट. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड गस्टेटरी रिसेप्टर्स, राइट. नर्वस सिस्टम, this is the main system which is responsible for control and coordination in animals or say complex animals, right? So this is the thing. Agar ye nervous system, they work on the basis of nerve tissue. Nerve cell or neuron is the functional unit of this system, okay? Now this system are used, this neuron is used to pass on the stimulus or the messages they receive from the any place and to the spinal cord to the brain, and this way it works out. Let us see how it works. It is the nervous system which is mainly responsible for control and coordination in complex animals. Now the function is, nervous system receives information from the environment. To receive the information from the various body, this neuron is used. Okay, to act according to through muscles and glands. They work according to the muscles and the glands. Let us see. A neuron is a structural unit and functional unit of the nervous system. Neuron. A neuron is a highly specialized cell which is responsible for the transmission of nerve impulses. The neuron consists of the following parts. जैसे डायग्राम में दिख रहा है, वैसे जो न्यूरॉन है उसका जो मेन पार्ट है दैट इज सेल बॉडी. सेल बॉडी से आप बाहर देखिए, अगर देखिए एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. एंड सेकंड इज द एक्सॉन व्हिच इज यूज्ड टू पास ऑन द इंपल्स, राइट. एंड लास्ट इज माइलिन शीथ. दिस एक्सॉन इज कवर्ड बाय इंसुलेटेड मटेरियल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, ओके. Neuron is a highly specialized cell which is responsible for the transmission of nerve impulses. The neuron consists of the following parts. One, cyton or cell body. The cell body or cyton is somewhat star-shaped with many hair-like structure providing out of the margin. Thus, hair-like structures are called dendrites. Dendrites receives the nerve impulses. Axon. This is the tail of the neuron. It ends in several hair-like structure called axon terminals. The axon terminals relay nerve impulses. आप डायग्राम में देख सकते हैं, right? This is the thing. Last में अगर axon के बाद वापस देखें, hair-like structure जैसा है. Okay? Myelin sheath. अब ये myelin sheath जो है, they are the insulator cover around the axon because they need to give or insulate or protect the axon against nerve impulses from the surrounding. The types of neuron. Sensory neuron, these neurons receive signals from a sense organ. Motor neuron, these neurons send signals to a muscle or a gland. And association or relay neuron, these neurons relay the signals between the sensory neuron and motor neuron, right? Now, to understand this, let us take an example. Suppose I am holding some hot thing, right? Suppose I am holding something. For example, I am holding a duster. I am holding the duster, right? First of all, the sensory neurons, the receptors bolte hain, ye receptors ise recognize karenge or they will send a impulse. They will send impulse to the this relay neuron. ये relay neuron जो है sensory neuron और motor neuron के बीच में काम करता है, right? तो इसका यहाँ से pickup करना और इसको वापस देना, right? तो ये sensory neuron क्या करेगा, पहले relay neuron को message दे देगा. relay neuron लेके जाएगा हमारे brain के पास, right? और अगर वो reflex action वाला है
बहुत हॉट चीज़ें हैं तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को लेके जाएगा। तो दो टाइप्स ऑफ एक्शन हैं, राइट। तो नॉर्मली वो ब्रेन के पास ले जाता है, ब्रेन उसको रिकग्नाइज करता है और उसे मोटर न्यूरॉन को देने का बोलता है। तो ये रिले न्यूरॉन नाउ मोटर न्यूरॉन को बता देता है कि ये आपका मैसेज है। दिस मोटर न्यूरॉन टेक्स टू दी मसल्स सो दैट योर मसल्स आइदर इट लिव्स और इट होल्ड्स इट, राइट। तो ये आपका नेक्स्ट एक्शन होता है। तो मोटर न्यूरॉन से जो जवाब आता है उसके मुताबिक आपका एक्शन होता है। ओके, अंडरस्टूड। सो इन सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड द एसोसिएशन और द रिले न्यूरॉन्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। बहुत इजी है, अगर आप देखिए डायग्राम भी देखिए। देखिए मैंने जब डायग्राम दिया हुआ है, राइट, डायग्राम के इसमें आप देखेंगे और अगर ये चीज अगर समझ गए हैं तो यू कैन राइट द 3 marks आंसर ऑन योर ओन, राइट। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इजी, राइट। लेट्स सी, डेंड्राइट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जो रिसेप्टर्स मैंने बोला था, राइट, सेंसरी ऑर्गन्स में, तो दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इंपल्स को कलेक्ट करते हैं, वो भेजते हैं सेल बॉडी को। सेल बॉडी क्या करते हैं, एक्सॉन को भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। एक्सॉन जिसके कवर के ऊपर हमने माइलिन शीथ के बारे में पढ़ा था, ये एक्सॉन इसी तरह पास ऑन करता है एंड इट एंड्स टू द नर्व एंडिंग एट द टिप्स ऑफ द एक्सॉन, दैट इज द थिंग, वहाँ एंड वहाँ तक पास करता है। वहाँ से वो सिनेप्स, सिनेप्स इज ए जंक्शन, जंक्शन बिटवीन द अनदर डेंड्राइट एंड द एक्सॉन, एंड ऑफ द एक्सॉन। तो एक्सॉन और सेकेंड डेंड्राइट, बरोबर, मतलब दूसरा न्यूरॉन सोल का जो डेंड्राइट है वो उसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो इसको बोलते हैं जंक्शन। जैसे नहीं ट्रेन के दो बोगी मिले हुए थे, इस तरह का है। तो दैट इज द थिंग, नाउ एंडिंग एट द टिप ऑफ द एक्सॉन एंड दिस एंड्स टू दी सिनेप्स, लाइक मैंने से बोला था जंक्शन। यहाँ से फिर से डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरोन, यहाँ से फिर से वापस इसी का ये है। इस तरह एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन, दूसरे न्यूरोन से यहाँ तक पहुँचाते हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज द वे द न्यूरोन वर्क्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस एंड द कंडक्ट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन, राइट। Now, what is reflex action? Reflex action is a special case of involuntary movement in voluntary organs. You try to understand this, right? It is a special case of involuntary movement into voluntary organs. Now, let us take an example. Reflex action. रिफ्लेक्स सेक्शन में अगर आप देखें तो ये जो इम्पल्सिस हैं ये ब्रेन तक नहीं जाते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, तुरंत डिसीजन लेना, वेरी अर्जेंट, राइट, बिकॉज इट इज इन द ऑलमोस्ट इन द डेंजरस सिचुएशन में हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन का डिसीजन लेते हैं, राइट, रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज वेरी अर्जेंट और वेरी नेसेसिटी वन, देयरफॉर दिस इम्पल्सिस रीचेस टू ओनली स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड टेक्स द डिसीजन इमीडिएटली। ओके, हाउ इट वर्क्स, लेट मी टेल यू, राइट। सपोज यू आर गोइंग टू, कुछ गर्म लोहा है, राइट, आयरन रॉड बोलते हैं, वो गर्म है और आपने भूल से इसे टच किया, टच करके हम हाथ झटके से उठाते हैं, राइट। आपके सामने गाड़ी अचानक आई तो आप देखिए झटके से एक जंप लेते हैं, राइट। ये सब जो चीज़ होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन से होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे हमने बताया, हमारा आइस विजुलाइज करता है, तुरंत वो इम्पल्स भेजता है, सेंसरी ऑर्गन्स, रिले ऑर्गन्स काम आते हैं और यहाँ से ये सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड पहुँचते हैं। देखिए दिस इज रिफ्लेक्स आर्क, ये डायग्राम में दिया हुआ है। रिफ्लेक्स आर्क जो है हमारे सिर्फ हाथों से या मसल से स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचते हैं, क्योंकि ब्रेन तक जाएगा तो टाइम लगता है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत डिसीजन लेता है और वो रिले के थ्रू और मोटर नर्व्स को मैसेज दे देता है और मोटर नर्व्स उस मसल्स पे पहुंचते हैं जहां एक्शन लेना है। और यहां तो तुरंत हम अपने आप जंप ले लेते हैं, अपना हाथ हटा लेते हैं। दिस वे द मसल्स वर्क इमीडिएटली एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो वापस बताता हूँ, रिफ्लेक्स एक्शन या ये जो रिफ्लेक्स आर्क जो है ये कहाँ तक सीमित है, स्पाइनल कॉर्ड तक। एंड स्पाइनल कॉर्ड वर्क्स बिटवीन कंडक्टिंग मैसेजेस बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड दी ब्रेन, राइट। तो यहाँ रिफ्लेक्स के टाइम पे वो खुद डिसीजन लेता है। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक। रिफ्लेक्स आर्क, द पाथ थ्रू विच द नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन ए रिफ्लेक्स एक्शन ट्रैवल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। The following flow chart shows the flow of the signals in a reflex arc.
रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मसल, राइट। तो ये जो एग्जांपल दिया था वही चीज आपको ये याद रखना है, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से मसल पे आता है। तो द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन डेंजर जोन, द सेंसरी न्यूरॉन स्पीक्स द सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड देम टू द रिले न्यूरॉन, द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, द स्पाइनल कॉर्ड सेंड सिग्नल्स टू द इफेक्टर via to the motor neuron and the effector comes in action, moves the receptor away from the danger. The reflex arc passes at the level of spinal cord and the signal involved in reflex action do not travel up to the brain. जैसे मैंने आपको समझाया, brain तक पहुंचता नहीं है क्योंकि as it is need to be taken very immediately or it is on the urgent basis, therefore the action are taken from the spinal cord or the decisions are taken from the spinal cord itself. Although every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord. Now let's understand human brain, a very important topic. Our next topic is human brain, a very important topic, right? This human brain is divided into three parts, that is first forebrain, second is midbrain and third is hindbrain, right? Forebrain, midbrain and जो पीछा भाग है उसको बोलते हैं hindbrain, okay? Now human brain is a highly complex organ which is mainly composed of nervous tissue. The tissue are highly folded to accommodate a large surface area in less space. The brain is covered by three layered system of membranes called meninges. क्या बोलते हैं इसको? Meninges. तो cerebrospinal fluid, ये जो हम लोग helmet पहनते हैं, helmet नहीं पहनते हैं तभी भी ज़्यादा हमको लगता नहीं है, because of this cerebrospinal fluid. ये जो fluid है हमको shock से बचाता है, कभी कभी हमारा सर टकरा जाता है फिर भी हम safe रहते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा लग जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको नेचर ने एक शॉकिंग प्रूफ के लिए हमको ये एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिया है, बरोबर। द CSF दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स क्यूशन द ब्रेन अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स, फर्दर मोर प्रोटेक्शन। द ह्यूमन ब्रेन कैन बी डिवाइडेड एज आई सेड इंटू थ्री पार्ट्स, वन इज फोरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ओके। Forebrain, it is composed of the cerebrum. Forebrain, it is composed of cerebrum. It is midbrain, it is composed of hypothalamus. And hindbrain, it is composed of cerebellum, pons, medulla oblongata. Now let's see cerebrum. The cerebrum is the largest part in the human brains. It is divided into two hemispheres. They are called as cerebral hemispheres. What is pons? It relays impulses, right? यहाँ से वहाँ messages जो ले जाते हैं ना, that is impulses between the lower cerebellum and spinal cord, and the higher parts of the brain like cerebrum and midbrain also regulates respiration. Respiration control करने में भी pons काम आते हैं. Spinal cord. Spinal cord controls the reflex action, conducts messages between different parts of the body and brain. Functions of cerebrum. The cerebrum controls voluntary motor actions. It is the site of sensory perception like tactile and auditory perception. ये tactile जो है वो touch वाला जो है, skin वाला जो thermostatic बोलते हैं ना, that is the call. And auditory मतलब audio, right? जो sound के related है, they are called auditory perception. It is the seat of learning and memory. ये जो हम लोग मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, नॉलेज गैदर होता है, ये सब चीज़ सेरिब्रम में होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हाइपोथैलेमस, द हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम. इट कंट्रोल्स स्लीप एंड वेक साइकिल. आप बरोबर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, राइट? ऐसे तो शायद उठते नहीं हैं 10 बजे पहले, राइट? लेकिन जो बच्चों को उठने की आदत है, जो बच्चों की आदत पड़ गई है, जो बच्चे रात को जागते हैं, लेट सोते हैं, रात को नींद नहीं आती बोले, ये सब हाइपोथैलेमस के कारण है. एक बार उसमें अलार्म फिक्स हो जाता है तो उस मुताबिक उसका काम चलता है. तो दैट इज़ द थिंग. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जिस ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. आपको जो भूख लगती है, पानी जो प्यास लगता है, ये सब चीज़ कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस.
Cerebellum. Cerebellum lies below the cerebrum and at the back of the whole structure. It coordinates the motor functions. When you are riding your bicycle, the perfect coordination between your pedaling and steering control is achieved by the cerebellum. So cerebellum क्या करता है? Balance रखता है. तो it controls the posture and balance of the body. It also controls the precision. Precision मतलब perfection of the voluntary action. Medulla. Medulla oblongata जो है, it forms the brain stem. Along with the pons, it lies at the base of the brain and continues into the spinal cord. The medulla controls various involuntary functions like heartbeat, respiration, etc. It controls involuntary actions, example blood pressure, salivation, right? Saliva jo nikalta hai hamare muh mein, vomiting ka jo feel hota hai ya vomiting hota hai, ye sab cheez jo hai kaun control karta hai? Medulla, right? Next is how the protection of brain and spinal cord. Brain is protected by a fluid filled balloon which acts as a shock absorber and enclosed in a cranium, that is brain box. Abhi padha tha humne. So spinal cord is enclosed in a vertebral column. Wo humko protection deta hai ye vertebral column. Muscular movement and nervous control. Let us understand this, how the messages are passed to the muscles and how they react or take the action. Now muscle tissues have special filaments called actin and myosin. When a muscle receives a nerve signal, a series of events is triggered in the muscle. Calcium ions enter into the muscle cells. It results in actin and myosin filaments. Ye do naam yaad rakhna. It results in actin and myosin filaments sliding towards each other, and that is how a muscle contracts. And contraction in a muscle bring movement in the related organ. So now students, we shall continue with coordination in plants, right? Coordination in plants, agar ab dekhe to, jaise maine pehle introduction mein kaha tha, in plants there is neither nervous system nor muscular tissue. Phir bhi dekhe, plants and trees, right, movement karte hain, right? Uska kya bolte hain? Turant reaction batate hain, right? They always recognize the movement and they respond to the movement. तो ये कैसे होता है? Something is there, right? There is some system which controls this. There is some system which coordinates with all branches, stem, tree and every roots, everything, right? Leaves. तो what is that? जैसे मैंने पहले introduction में बताया, the chemicals which are involved or which are in the plants and trees, they do this thing, right? The coordination is done by or through the hormones called chemicals. Okay, so let's see. Now there are two types of movement, right? They are tropic movement and gnostic movement. This tropic movement is dependent on growth and gnostic movement is independent of growth. आपने कुछ plants देखे होंगे टच मी नॉट वाले, आप टच करते ही तुरंत क्लोज हो जाते हैं. आपने कुछ देखे जिस तरफ आपका ये सन होगा उस तरफ प्लांट बेंड होने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल ले लीजिए सनफ्लावर का. तो ये सारा जो है मूवमेंट जो है, जो रिस्पांस जो है, वो किस तरह होता है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टू सी टू दिस ट्रॉपिक मूवमेंट एंड gnostic movement, right? Tropic movement may be types. We will just see one by one. Plants use chemical means for control and coordination. Many plants' hormones are responsible for various kinds of movements in plants. Movements in plants can be divided into two main types, that is tropic movement, which is dependent on growth, and non-gnostic movement, that is movement independent of growth. Now tropic movement, the movement which are in a particular direction in relation to the stimulus are called tropic movement. Tropic movement happens as a result of growth of a plant part in a particular direction, right? Now there are four types of tropic movements. Let's see. Now the four types of tropic movement are geotropic movement, phototropic movement, hydrotropic movement and thigmotropic movement or thigmotropism, right? पहला वाला जियोट्रॉपिक. जियो मतलब क्या? अर्थ, राइट? तो यहाँ पे जियो में अर्थ में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो आप देखिए ग्रेविटेशन, जब भी आप कोई सीड डालते हैं तो रूट्स जो है
ग्रेविटी की तरफ जाता है, लेकिन जो स्टेम जो है वो ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है, राइट। तो जियोट्रोपिसी में आप देखो रूट पॉजिटिव बताता है और स्टेम जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है, दिस इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक मोमेंट। नेक्स्ट है फोटोट्रॉपिक, जैसे अभी सनफ्लावर का बताया था, सनफ्लावर में आप देखें तो राइट, जिस तरफ सन होगा उस तरफ वो मुड़ने लगेगा, दैट इज वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है, राइट। लेकिन यहाँ देखिए तो अगर रूट क्या देगा, वो नेगेटिव की तरफ देगा, वो अपनी तरफ से नीचे बाजू जाएगा, दिस इज फोटोट्रॉपिक, राइट, रिस्पॉन्डिंग टू द सन लाइट, राइट। दैट इज फोटो मतलब लाइट, सनलाइट। हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो मतलब वाटर, रूट्स देखिए उस तरफ जाएंगे जहां पानी दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्डिंग टू द वाटर, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। एंड फोर्थ वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मो मतलब टच, टच मी नॉट वाला देखा है, राइट। तो अगर टच करते हैं तो वो जो इफेक्ट करता है। दूसरा अगर आप देखो तो टेंड्रिल्स या तो क्लाइंबर्स बोलते हैं, वेल वेल बोलते हैं ना हिंदी में, राइट, वो देखिए जैसे जैसे टच करता है उस तरफ रिस्पॉन्स, आप अगर एक लकड़ी रख देंगे तो उसकी तरफ से जाएगा, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म, दिस इज द वे। तो ये है फोर टाइप्स, राइट। और वही चीज अगर देखिए नास्टिक मूवमेंट में, नास्टिक मूवमेंट में अगर आप एग्जाम्पल देखें तो टच मी नॉट वाला देखिए, राइट, आप प्लांट के कोई भी एक जो लीफ है उसे टच करेंगे तो कहीं भी टच करेंगे वो क्लोज हो जाता है, तो उसको ना कोई ग्रोथ से मतलब है। देयरफॉर नास्टिक मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, राइट, दिस इज द रीजन, क्योंकि वो तुरंत क्या होता है, ये एक्चुअली जो होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द लीफ, वो उसका रीजन है, लेकिन फिर भी देखिए उसका रिस्पॉन्स जो है वो कुछ और ही है, उसके डायरेक्शन में नहीं है, वो उसके अगेंस्ट के डायरेक्शन में जाता है, दैट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। ओके, तो ट्रॉपिक में फोर टाइप्स हैं, नास्टिक मूवमेंट में दिस वन। ओके, लेट्स सी अनदर थिंग, नाउ लेट्स सी प्लांट हार्मोन्स वन बाय वन, राइट। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। Types of plant hormones. The main plants of hormones are, one is auxin. Auxin किसके लिए help करता है? Growth के लिए, right? Plants के जो growth है वो depend करता है auxin पे. More growth of cell towards the light. Gibberellin, that is helps in the growth of the stem. Cytokinins, that is promotes cell division. Next is abscisic acid. अगर आपने देखा होगा तो rose plant का एक fixed height होता है, ट्रीज का एक फिक्स हाइट होता है, तो ये जो हाइट जो डिसाइड करता है, ये हाइट को जो कंट्रोल करता है वो है एब्सिसिक एसिड, दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ कॉजिंग विटिंग ऑफ द लीव्स हार्मोन, राइट। नेक्स्ट है हार्मोन्स इन एनिमल्स, सिमिलरली लेट अस सी नाउ हार्मोन्स इन एनिमल्स। हार्मोन इन एनिमल कंडक्ट अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस लाइक ग्रोथ, सेक्सुअल डेवलपमेंट, वेजिटेटिव डेवलपमेंट, सेल्युलर रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, थर्मल प्रोडक्शन एटसेट्रा। While the nervous system coordinates activities of animals like movement, hormones integrate the coordination. Larger complex animals like vertebrates have endocrine glands to produce hormones. The well-known animal hormones are insulin, estrogen, testosterone. Right? Hormones play an important role in control and coordination in humans along with nervous system. Yaad rakhna, hormones, they are very important in coordinate control and coordination, right? Now, glands are known to secrete hormones and enzymes. Now, there are two types of glands. Let's see. Now, there are two types of glands. Glands kya produce karte hai? Hormones produce karte hai. So, glands mein two types hai. Ek hai endocrine glands, dusra hai exocrine glands. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है उनका खुद का जो डक्ट नहीं होता है, मतलब उनका खुद का जो प्रोड्यूसिंग प्लेस नहीं है, बैग नहीं होता है, बैग टाइप स्ट्रक्चर जिसमें वो प्रोड्यूस करके रखें, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू प्रोड्यूस एंड दे हैव टू सीक्रेट इनटू द ब्लड वेसल्स, और ब्लड उसे जहाँ एक्शन बताना है, जहाँ उसका रिएक्ट करना है, जहाँ उसका यूज करना है, उस जगह पे लेके जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स उनके खुद के डक्ट्स होते हैं, देयरफॉर दे नीड नॉट टू यूज द ब्लड वेसल्स, राइट, तो देयरफॉर दे प्रोड्यूस इट एंड दे आल्सो
secrete in the place where the action has to be taken. This is called exocrine glands. Pituitary gland present in the hypothalamus of the brain. It controls growth, controls secretion of other glands. Pineal glands present in the brain responds to light exposure. Next is testis ovaries. Males present outside the pelvic region and produces testosterone. And females present inside the pelvic region and produces estrogen. Responsibility for the secondary sexual characters like puberty, sperm production in males, egg production in females. Lack of secretion of these hormones would result in infertility and delay in onset of puberty. Adrenal gland. It is present above the kidney, produces adrenaline, that is fight or flight hormone. आपने देखा होगा कभी भी कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट जो ऐसे ऐसे सिचुएशन पे आ जाते हैं, या तो हम उसको फाइट करते हैं या तो वहां से भाग जाते हैं, फ्लाइट करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल डॉग का सामना हो जाता है, ज्यादातर ये कुत्ते का जब सामना होता है तो हम यही करते हैं, या तो कोई पत्थर उठा के मारने की कोशिश करते हैं, दैट इज फाइट, और या तो फिर भागने लगते हैं और फिर डॉग भी आपके पीछे भागता है, राइट. दैट इज एड्रिनल ग्लैंड. ये इसका डिसीजन कौन हेल्प करता है लेने में? एड्रिनल ग्लैंड. तो फंक्शंस इंक्लूड इंक्रीज ऑफ हार्ट बीट, सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, लोअर ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड इंक्रीजेस सप्लाई टू द स्केलेटल सिस्टम. थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन, दैट इज कंटेन्स आयोडीन, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक रेट, हेल्थी हेयर एंड स्किन. Lack of iodine gives deficiency of thyroxine, that is goiter, right? गला सूज जाना, जाड़ा, ऐसे फैट बन जाते हैं या तो बहुत दुबले रहते हैं. These are the symptoms of thyroid problem, right? So students, I hope you understood this chapter. सारे टॉपिक समझ पड़े आपको. आप ध्यान से और एक बार वॉच कीजिए, राइट. और वी ट्राइड टू कवर ईच एंड एवरी आर्टिकल्स, एवरी पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर. And please read the textbook. The best material you have is textbook. So please go through the textbook along with this video. अगर कुछ नहीं समझ पड़े तो कमेंट बॉक्स में लिखें. अगर कुछ आपको क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें. और प्लीज़ आपका सजेशन भी लिखिए, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी लिखिए. सो दैट हम लोग क्या है, थोड़ा सा बूस्ट हुए और अच्छा बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करें. ओके, तो प्लीज़ शेयर this video to maximum number of students so that they get the benefit of this video, and they all, and please subscribe if you are not subscribed the channel. Okay, mera hamara channel ka naam hai KD Shivam. I am from Shivam Education, KD sir. Okay, you can just watch other videos, academic videos of standard 10, right, math, science, social science, sare subjects ka aap dekh sakte hain KD Shivam channel mein jaakar. Okay, please सब्सक्राइब द चैनल. ओके, और वो बेल आइकन प्रेस कीजिए सो देट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो का. ओके, बाय टिल द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.